दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पर्सनल सेक्रेटरी विभव कुमार और आम आदमी पार्टी सांसद एनडी गुप्ता के घर पर ईडी की रेड हुई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी नेताओं और उनसे जुड़े लोगों के करीब 10 ठिकानों पर जांच एजेंसी तलाश ले रही है। वहीं बताया गया है कि ईडी की ये कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े एक मामले में हो रही है। ईडी की रेड के बीच दिल्ली की मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि भाजपा हमें दबाना चाहती है, लेकिन हम डरेंगे नहीं। घोटाला हमने नहीं किया है, असल में ईडी की जांच में ही घोटाला है। ईडी ने शराब नीति मामले में गवाहों के बयानों में फर्जीवाड़ा किया है। इसी के साथ ही आतिशी ने दावा भी किया कि शराब घोटाले में ईडी ने इन्वेस्टिगेशन के बाद सारे ऑडियो फुटेज डिलीट कर दिए। किसी भी केस में तीसरी महत्वपूर्ण चीजें होती हैं स्टेटमेंट्स, यानी कि गवाही। ईडी का जो सारा केस है वो सिर्फ और सिर्फ गवाही पर, और कई गवाहों को, कई अक्यूज्ड को सरकारी गवाह बनाकर और उन्होंने जो स्टेटमेंट्स दी हैं उसके आधार पर बना हुआ है। और आज जो मैं खुलासा करने जा रही हूं वो आपको ये दिखा देगा कि ये सारी स्टेटमेंट्स फर्जी हैं। ये ईडी ने सारी स्टेटमेंट्स में फर्जीवाड़ा किया हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि जब कई ऐसी स्टेटमेंट्स किसी अक्यूज से, किसी सरकारी गवाह से, किसी विटनेस से ली गई, उसके बाद कई विटनेस सामने आए और उन्होंने ये कहा कि उनसे स्टेटमेंट दबाव पूर्वक डलवाया गया, लिखवाया गया। एक विटनेस ने कहा कि उन्होंने, ईडी वालों ने इतनी जोर की थप्पड़ मारा कान पे कि कान की कनपट्टी फट गई, इस वजह से, इस दबाव में उन्होंने स्टेटमेंट दी।